ओम शांति। जीवन कितने प्यारे चल रहे थे, सब कुछ कितना अच्छा था, और अचानक से जीवन का आधार ही हिल गया। वो जो हमारे सब कुछ थे, वो जो हमारी एक खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, हमारा ध्यान रखते थे, उनसे हमें इतना प्यार और सम्मान हमारे जीवन को भरपूर कर देता था, वो जिनके इर्द गिर्द हमारी जीवन चलती थी, आज वो नहीं है हमारे बीच। उनका कमरा खाली है, हम उनसे बात नहीं कर पाते। दर्द, दुख और अपने भाग्य को कितना कोसते हैं हम। वो दोस्त जिससे बात करके मन हल्का हो जाता था, आज फोन उठाते हैं तो वो नहीं है। वो कलीग जिसके साथ काम करके मजा ही एक अलग आता था, आज उनकी कुर्सी खाली है। दर्द तो होगा ही ना, दुख तो होगा ही, ये जीवन का अब मायने क्या रहा। और जब देश की तरफ देखते हैं कि इतने इतने सारे लोग चले गए, 2 महीने के अंदर ये क्या हो गया अचानक, तो दुख होता है, दर्द होता है, गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। और हमें लगता है ये तो स्वाभाविक है ना, इस समय और कैसे सोचा जाए। स्वाभाविक ये तब होता है जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो हमने खोया उस बारे में सोच रहे हैं। तो अगर अपने बारे में सोचे तो ये सारी इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स, ये सारी थॉट्स बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज हमें उनके बारे में भी सोचना है। लेकिन उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं वो तो चले गए, इट्स फिनिश्ड, दे आर गॉन। लेकिन गॉन वेयर, कहाँ चले गए वो, क्या फिनिश हुआ है? शरीर, वो 5 तत्वों का शरीर खत्म हुआ है। शरीर बीमार हुआ था, वो शरीर नहीं रह पाया, शरीर खत्म हुआ है। लेकिन वो शरीर नहीं थे, ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा, जीव ह्यूमन, ये मिट्टी से बना हुआ शरीर ये खत्म हुआ है। आत्मा इटर्नल एनर्जी, अजर अमर अविनाशी, वो आत्मा जो हमारी हर बात सुनती थी, वो आत्मा जो दूर रहकर भी हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फीलिंग्स को कैच कर लेते थे, वो आत्मा जो अपने शरीर के मुख द्वारा हमसे बात करते थे, वो आत्मा आज भी हमारी हर थॉट, हर फीलिंग, हर बात को सुन सकती है और अपनी बातें हम तक भेज सकती है। क्या हमने उनके बारे में सोचा? लेकिन हमने कहा मैंने इतना कुछ खोया है, मैंने इतना कुछ खोया है। हाँ जी, हमने एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत प्यारा रिश्ता खो दिया है। हमारे जीवन में एक वैक्यूम आ गया है, वो वैक्यूम कभी नहीं भर सकता है, ये तो सच है। उन्होंने क्या खोया है? उन्होंने अपना शरीर खो दिया, उन्होंने अपने सारे रिश्ते खो दिए, हमने एक रिश्ता खोया, बाकी सब हमारे पास हैं। लेकिन उन्होंने अपने सारे रिश्ते खो दिए, उन्होंने इस जीवन में जो कुछ इतनी मेहनत से पाया था, कमाया था, सब कुछ खो दिया। वो आगे कहाँ जाएंगे उनको कुछ नहीं पता है, इतनी अनसर्टेनिटी है उनके अंदर कि उनका आगे भविष्य क्या है, वो कौन से परिवार में जाने वाले हैं, सब कुछ तो उन्होंने खो दिया। किसका दर्द ज्यादा है? हमने एक रिश्ता खोया, उन्होंने शरीर, सारे रिश्ते और सब कुछ जो कमाया था वो खोया, और आगे कहाँ जाना है वो भी उनको पता नहीं है, वहां क्या होने वाला है उनको मालूम नहीं है। किसका दर्द ज्यादा है? किसकी इनसिक्योरिटी ज्यादा है? किसका डर ज्यादा है? सोचना चाहिए। लेकिन हम अपने दर्द के बारे में इतना सोच रहे थे कि हमने उनके बारे में सोचा ही नहीं, और हमारा ये सारा दर्द और ये सारा डर ये भी उन तक पहुंचता रहा। तो आज
हम सब इकट्ठे होंगे, इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि हमें क्या सोचना है इस समय, कैसे सोचना है और कैसे हम वो थॉट्स क्रिएट करें जो उनको शक्ति देंगे, जो उनको शांति देंगे, जो उनको दुआएं देंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा एक शरीर जब छोड़ती है तो शरीर छोड़कर आत्मा अपनी जर्नी पर आगे जाती है, तो वो कहाँ चले गए अभी? वो अपनी अगली माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी नीड टू स्टार्ट सीइंग इट। इस दृश्य को अपने सामने देखिए, वो माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है वो आत्मा, लेकिन उनका अपने नए शरीर जो अभी बन रहा है, नया परिवार जहां वो जाएंगे, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जानते ही नहीं उनको। तो उनका सारा कनेक्शन किसके साथ है? हम सबके साथ, जिनको वो पीछे छोड़कर गए हैं। तो अब सामने ये दृश्य लेकर आइए कि माँ के गर्भ में वो आत्मा है, वो हमारी हर थॉट कैच कर सकती है, हर बात सुन सकती है, और हम यहाँ से जो महसूस कर रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। और वो आत्मा जो सब कुछ खोकर गई है, अब क्या हम उसको सिर्फ अपना दर्द, दुख और परेशानियां भेजेंगे? जब वो हमारे बीच थे तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आज भी हमें उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, अर्थात अपने दर्द से पहले उनके दर्द को ठीक करें, उनके मन को शक्तिशाली बनाएं। उनका एक नया भाग्य शुरू हो रहा है, उनका एक नया शरीर बन रहा है। ऐसे समय पर उनकी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, उनकी मनोस्थिति को कैसे हम पावरफुल बनाएं, आज हम मिलकर सबके लिए करेंगे। जिनको हम जानते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन बहुत सारी आत्माएं एक नई जर्नी पर गई हैं, उनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनको भी तो सुकून की, शक्ति की, दुआओं की कितनी इस समय जरूरत है। क्योंकि वो कैसे समय पर गए, जब इतने सारे गए, इतने सारे जब इकट्ठे जाते हैं तो कितना दर्द होता है, किस तरह से गए, अंतिम विदाई कैसे हुई, खालीपन है, अधूरापन है वहां भी। तो हम सब की जिम्मेवारी है, हम सिर्फ अखबारों में और न्यूज में देखकर गुस्सा नहीं कर सकते, बुरा लगता है, लेकिन जिम्मेवारी याद होनी चाहिए कि हमारी अब जिम्मेवारी है, सबकी कलेक्टिवली हमारी जिम्मेवारी है कि हमें उनको दुआओं और शक्तियों से पावरफुल बनाना है, ताकि उनका अगला भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ बनेगा। तो चलिए पहले कुछ क्षणों के लिए हम उनको अपने सामने लेकर आते हैं। खुद को देखिए इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो मैंने पहना हुआ है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा चोला है। अब अपने सामने उनको देखिए। वो भी आत्मा है। पॉइंट ऑफ लाइट शक्ति है,
उनका शरीर उनका कॉस्ट्यूम था, उनका चोला था, ड्रेस था, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। मेरा रिश्ता उनकी ड्रेस से, उनके कॉस्ट्यूम से नहीं, उनके शरीर से नहीं। मेरा रिश्ता उनके साथ है। आत्मा आत्मा का रिश्ता, सोल टू सोल कनेक्शन। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा था, प्यारा है और हमेशा रहेगा। मैं आत्मा खुद से पहले आपका ध्यान रखूंगी, आपकी स्थिति, आपकी शांति और आपकी स्थिरता, ये मेरी प्रथम जिम्मेवारी है। मुझसे पवित्रता, शांति, शक्ति के वाइब्रेशंस, प्योरिटी, पीस, पावरफुल वाइब्रेशंस आपको पहुंच रहे हैं। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच सदा आपके साथ है। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं। जब कोई छोड़कर इस तरह से चला जाता है तो मन बहुत शिकायत करता है। हम उनको याद करके रोते हैं और हम कहते हैं, ऐसे कैसे आप चले गए? क्या आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? क्या आपको नहीं लगा कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे? इतना कुछ हम सबको अभी करना था और आप बीच में ही छोड़कर चले गए। मन बहुत शिकायत करता है, दुख है, लेकिन शिकायत वाला दुख बन जाता है। अब एक क्षण के लिए इन संकल्पों को भी देख लेते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं, क्योंकि याद रखना, हर सोच उन तक पहुंच रही है। ये बार बार अपने को याद दिलाइएगा, हर सोच, माई एवरी थॉट, माई एवरी फीलिंग, माई एवरी वर्ड, माई एवरी वाइब्रेशन, वो सब कुछ उन तक पहुंच रही है, पहुंचकर उनकी मनोस्थिति पर प्रभाव डाल रही है। गर्भ में जो नया शरीर बन रहा है उसकी सेहत पर प्रभाव डाल रही है। हम कैसी वाइब्रेशंस यहाँ से भेजना चाहते हैं? कोई हमारे घर आया, बहुत समय बिताया, उस समय में बहुत सुख दिया, बहुत ध्यान रखा, इतना कुछ कर दिया हमारे लिए, लेकिन फिर उनका समय आया कि उनको कहीं और जाना था। और जब वो हमारे घर से जा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाँ, हम एक आधी बार जरूर कहते हैं, क्यों जा रहे हो, रुक जाओ ना, इतना मजा आ रहा है आप यहाँ पर हो। वो कहते हैं,
हाँ, मेरा भी रहने का बहुत मन है यहाँ, लेकिन मेरा अगला काम है, मुझे वहां जाना होगा। तो हमारा मन नहीं होता कि वो जाएं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो हम उनको कैसे भेजते हैं? हम कहते, शुक्रिया आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय हमारे यहाँ हमारे घर बिताया, इतना मजा आया आपके साथ आज शाम को। हम उनको कितनी शुक्रिया के साथ भेजते हैं, मन नहीं होता भेजने का, लेकिन शुक्रिया के साथ भेजते हैं, क्योंकि वो जितना समय, वो कुछ घंटे हमारे घर आए थे, वो कुछ घंटे हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत अच्छा लगा उनके आने से। तो जब वो जाते हैं, हम बेमन से भेजते हैं, लेकिन शुक्रिया से भेजते हैं, शुक्रिया से भेजते हैं, शिकायत से नहीं भेजते हैं। अब जो गए हैं वो तो वहां चले गए हैं जहां वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो जल्दी चले गए। और कुछ साल रहते, बहुत अच्छा लगता, बहुत कुछ हम करते इकट्ठे, वो तो डेफिनेट है, लेकिन और जितने साल वो रहते हमारे साथ और हम रहते उनके साथ, उसके बारे में सोचने के बजाय वो सोचिए कि वो सारे साल जो हम इकट्ठे रहे हैं, और उसके लिए शुक्रिया कीजिए। उनको शिकायत की एनर्जी नहीं भेजिए, उनको शुक्रिया की एनर्जी भेजिए। एक-एक क्षण के लिए शुक्रिया, एक-एक श्वास के लिए शुक्रिया, एक-एक चीज जो उन्होंने हमारे लिए की उसके लिए शुक्रिया। वो जो थे, जो वो व्यक्तित्व था, कितने प्यारे संस्कार, उसके लिए शुक्रिया। कितना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया करें तो हमारी याद शिकायतों से नहीं, नाराजगी से नहीं, खालीपन से नहीं, लेकिन जो समय हमने इकट्ठे बिताया उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया से भर जाए। और जब हम कहते हैं कि आप ऐसे ही छोड़कर चले गए, हमें ये याद रखना होगा, शरीर फिनिश हुआ है सिर्फ, हाँ आत्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आज भी वो जो सोच रही हैं, वो वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है, हर बात हम तक पहुंचती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, आज भी वो आपको राय देंगे, आज भी वो आपको गाइड करेंगे, आज भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, आप बस उनको याद करके पूछिएगा और आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो आंसर आपको दे रहे हैं। तो जबकि वो जाकर भी गए नहीं, हमारे संग है मन की स्थिति से, जैसे कोई दूसरे देश चला जाए तो वो दूर चला जाता है, लेकिन मन से हमें उसकी हर बात याद आती है और हर बात अभी भी हम कैच करते हैं। तो इसीलिए आज से हम शिकायत से नहीं, शिकायत अच्छी एनर्जी नहीं है, हम शुक्राना से विदाई देंगे। शिकायत उन तक पहुंचेगी तो क्या उनको अच्छा लगेगा? उनको कैसा फील होगा? वो कितना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि वो वापस नहीं आ सकते। एटलीस्ट हम उनको ऐसी वाइब्रेशंस भेजें जो उनको अच्छा फील कराएगी, उनको उस हर क्षण के लिए अच्छा फील कराएगी जो उन्होंने हमारे साथ बिताया है। तो आज से ये पक्का करते हैं, शुक्रिया, 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 सिर्फ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया करते रहेंगे, उनका भी और परमात्मा का भी, क्योंकि हमारे भाग्य में इतना प्यारा रिश्ता, इतनी प्यारी आत्मा, इतना सारा समय हमारे साथ बिताया, इतना कुछ हमें भरपूर करके गए, परमात्मा का शुक्रिया और उनका शुक्रिया। तो चलिए सामने लेकर आइए उनको, देखिए उनको, और आज हर क्षण, हर बात, हर चीज के लिए शुक्रिया करते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्यार मेरा संस्कार है।
सबको सम्मान देने वाली आत्मा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। मैं निस्वार्थ आत्मा हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इतने साल हर क्षण आपके साथ प्यार और सम्मान से भरपूर था। आपसे मुझे सब कुछ मिला, आपका कितना शुक्रिया करूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके स्वभाव का, आपके संस्कारों का शुक्रिया। आपके व्यवहार का, आपके श्रेष्ठ कर्मों का शुक्रिया। आपने हर रिश्ता, हर जिम्मेवारी को इतना अच्छे से निभाया। आपकी सेवा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप एक नया पाठ, बहुत प्यारा रोल प्ले करने के लिए आगे गए हैं। प्यार के सागर परमात्मा का प्यार और दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपका शुक्रिया परमात्मा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से देते चलूं दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं देती रूह को सुख। दिल की दुआ से मिलता परमानंद है। दिल से देते चलूं दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए, प्राण छुटे नश्वर तन से तो परमात्मा।
शांत मन से ले वो विदाई, आखरी पल भी हो सुखदाई। दिल की दुआ में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं देती रूह को सुकून है। दिल की दुआ से मिलता परमानंद है। दिल से देते चलो दुआ, सबका भला हो सब सुख पाए। जीवन का ये मंत्र पुराना, आज नहीं कल घर को है जाना। मन में हो एक संकल्प सुहाना, चली सबको शुकराना। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए, देते चले बस यही दुआएं। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं देती रूह को सुकून है। दिल की दुआ से मिलता परमानंद है। दिल से देती चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। सबका भला हो सब सुख पाए। ओम शांति, ओम ओम शांति। हम में से कई एक गिल्ट, एक हेल्पलेसनेस का अनुभव कर रहे हैं। मन बार बार कहता है, अगर हम उस हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर लेते, अगर हम थोड़ा सा और ये कर लेते, अगर हम ऑक्सीजन के लिए वहां फोन कर लेते। हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। मन बहुत खाता है, मन अपने आप को दोषी महसूस करता है। हमने जिनको फोन किया उन्होंने नहीं मदद की, कोई बात नहीं, हम इसको करते, हम क्यों हिचकिचाए, हम उधर करते। मन बार बार प्रश्नों से घिरा रहता है और मन बार बार अपने आप को उनके जाने का जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देता है। हम में से कोई है जिनको मदद के लिए फोन आया था, हम मदद करना चाहते थे लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था, बेड अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हमने बहुत कोशिश की थी। आज हम अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं कि अगर हम कुछ और कर लेते। हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। हम में से बहुत ये फील करते हैं कि उन अंतिम दिनों में जब वो आईसीयू में थे, हम उनके साथ नहीं थे। वो अकेले रहे हॉस्पिटल में और अकेले ही चले गए। तो ये भी एक बहुत अपने आप के साथ नाराजगी की फीलिंग आती है कि अंतिम कुछ दिनों में उनको कितनी मेरी जरूरत थी और हम वहां थे ही नहीं। अकेले रहने दिया हमने उनको हॉस्पिटल में। कई बार तो हम में से कई कहते हैं, अगर हम डॉक्टर से लड़कर थोड़ी देर के लिए आईसीयू में चले जाते, हम उनको एक बार मिल तो लेते ना, तो कितना गिल्ट क्रिएट हो जाता है, कितना गिल्ट क्रिएट होता है। ये गिल्ट सिर्फ हमें दर्द नहीं देगा, ये गिल्ट
उनके भाग्य पर प्रभाव डालने वाला है। एक क्षण इसको देखिए कि कौन से वाइब्रेशंस यहां से वहां पहुंच रहे हैं उनको। हम आपके लिए सब कुछ नहीं कर पाए, हम आपको नहीं बचा पाए। जितना हमें करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया। हम बहुत स्ट्रांगली ये सोचते हैं और बोलते हैं, हमने नहीं किया, हमें और करना चाहिए था, हम अच्छे नहीं हैं, हमने सही कर्म नहीं किया। ये सब वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। हम आपके साथ नहीं थे, हमने आपको अकेला ही छोड़ दिया। ये सब वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। अब उस तरफ चलते हैं। गर्भ के अंदर आत्मा है, नया शरीर बन रहा है, एक बेबी क्रिएट हो रहा है उस वूम्ब के अंदर। और वो बेबी को, वो सोल को क्या वाइब्रेशंस मिल रहे हैं? हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, हम अच्छे नहीं हैं, हमने आपका ध्यान नहीं रखा, हमने आपको अकेले छोड़ दिया, हम आपके पास नहीं थे। बार बार हमारे ये रिपीटेड जो थॉट्स हैं, ये उस आत्मा को गर्भ में पहुंच रहे हैं। गर्भ संस्कार अर्थात गर्भ में जो वाइब्रेशंस मिलती हैं, जो थॉट्स एंड फीलिंग्स आत्मा कैच करती है, उनसे उनके संस्कार बनते हैं। और वो आत्मा क्या कैच कर रहे हैं? मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, मेरे परिवार ने मेरे लिए मेहनत नहीं की, मेरे परिवार ने मुझे नहीं संभाला। ये वाइब्रेशन आत्मा कैच कर रहे हैं। जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, वो कैच करेंगे, और वो कैच करके वो उसको सच मानेंगे, क्योंकि वो तो वो ही वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं। अब क्या होगा कि वहां पर, क्योंकि गर्भ में वो कैच कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा के ऊपर। कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा, एक नया परिवार होगा, उनसे बहुत प्यार करता होगा, उनका बहुत ध्यान रखता होगा, सारा दिन उनके इर्द गिर्द रहता होगा, लेकिन उस आत्मा ने गर्भ में कुछ वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर ली थी। कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मुझसे वो प्यार नहीं करते, उन्होंने मुझे नहीं संभाला, जब मुझे उनकी जरूरत थी वो मेरे पास नहीं थे। ये मैसेजेस हमने भेजे हैं। इसका इम्पैक्ट उस बच्चे के, क्योंकि अब वो बच्चे की ड्रेस में गए ना, तो उस बच्चे के भाग्य पर पड़ता है। जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, 4 साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, सब कोई उसका ध्यान रख रहा है, लेकिन उसका संस्कार, उसकी एक बहुत डीप थॉट रिकॉर्ड हो चुकी है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब दूसरों को प्यार करते हैं, मेरा किसी को परवाह ही नहीं। पूरा नया उनका परिवार बहुत मेहनत करेगा उनको समझाने में कि बच्चा तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम देख नहीं रहे कि हम सारा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए हैं? वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं, आप नहीं हो, जब मुझे जरूरत होती है आप नहीं होते मेरे पास, आप मुझे अकेला छोड़ देते हो। वो बच्चा बहुत संघर्ष से जीवन जीना शुरू करेगा, वो नया वाला, बहुत तकलीफ होगी उसको अंदर, क्योंकि उसको लगेगा कि वो अकेला है, कोई नहीं है उसके पास, जबकि उसके पास वो नया परिवार होगा। और ये संस्कार उस बच्चे का क्यों बना? क्यों उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया गर्भ में? क्यों उसका ये गर्भ संस्कार बन गया? क्योंकि हमने यहां से ऐसा सोचा। क्या हमारी ये सोच सही है? क्या हमें ऐसी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करनी है? क्या हमें उनके भाग्य में ये मुश्किलें, ये संघर्ष डालना है? नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये सच है जो हम सोच रहे हैं? सच ये नहीं है। सच ये है कि हमने बहुत मेहनत की थी उनको बचाने के लिए, हमने सारी कोशिशें की, हम हर जगह गए, हमने हर कुछ किया, फिर हम गलत क्यों बोल रहे हैं इस समय? हम क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं जो सच नहीं है? हमें अलाउड नहीं था आईसीयू में जाना,
ये नियम है, ये सबकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन मन से हम किसके साथ थे? हम तो सिर्फ उनके साथ ही थे, आज भी उनके साथ ही हैं। फिर हम गलत बात क्यों बोल रहे हैं? हमारी हर सोच और बोल उनके नए जीवन का, उनके नए भाग्य का, उनके नए परिवार के साथ का, उनका संस्कार बन रहा है। ध्यान से सोचते हैं, सही सोचते हैं, और आज से अपनी सोच को बदल कर ये मैसेज उन तक पहुंचाते हैं। आपको पता है ना, हमने सब कुछ किया आपके लिए, जो हमें नहीं भी आता था वो भी किया, जहां हम नहीं भी जानते थे हम वहां भी गए, हमने अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा सब कुछ कर लिया। हम अपना तन मन धन सब कुछ आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार थे, हम सब कुछ कर रहे थे। और जब आप हॉस्पिटल में थे, हम फिजिकली आपके साथ नहीं थे, लेकिन मन से तो सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ ही थे, और आज भी हम आपके साथ ही हैं। ये सही सोच है, गिल्ट सही नहीं है, लव प्यार सम्मान स्नेह ये वाइब्रेशन से उनके गर्भ संस्कार हमें बनाने हैं। इसका प्रभाव उनके शरीर जो नया बन रहा है उस पर पड़ने वाला है, इसका प्रभाव उनके नए रिश्तों पर पड़ने वाला है, इसके प्रभाव से उनका श्रेष्ठ नया भाग्य बनने वाला है। जिम्मेवारी हमारी है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए फिर उनको सामने लाइए, और अपने मन से जो मैसेज उनको भेज रहे थे उसको चेंज करिए, और सच बोलना शुरू कीजिए। जो सच है वो बोलिए, सब कुछ जो किया था उनके लिए वो बताइए। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ जताना है, लेकिन उनको सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है कि उनका बहुत प्यारा परिवार, जो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था और हमेशा उनके साथ था, ये गर्भ संस्कार हमें उनके लिए रिकॉर्ड करना है। मैं पवित्र आत्मा हूं। आई एम अ प्योर सोल। मेरी हर सोच शुद्ध है, मेरा हर बोल सम्मान से भरपूर है। मैं निस्वार्थ भाव से सबका ध्यान रखने वाली, सबकी सेवा करने वाली आत्मा हूं। मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा, आपकी हर बात मानी, आपके लिए जो सही है वो मैंने हमेशा किया। तन मन धन सब कुछ आपकी सेवा में लगाया। कई बार फिजिकली आपके साथ नहीं थे, लेकिन मन से हमेशा आपके साथ थे। आज भी हैं और हमेशा रहेंगे मेरा स्नेह और दुआएं सदा आपके साथ हैं।
शांति के सागर, परमात्मा के शांति के वाइब्रेशंस आपके अंदर समाते जा रहे हैं। आप शांत हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप शांत हैं, आप शक्तिशाली हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे। बस थोड़ा सा बुखार हुआ था, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और हम उनके इलाज में ही तो लगे हुए थे। फिर अचानक हमें उनको हॉस्पिटल एडमिट भी करना पड़ा, लेकिन हमें पता था वो वापस आ जाएंगे, तो हमने कोई और बात की ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उनका इलाज करवा रहे थे और फिर अचानक वो आगे चले गए अपनी नई यात्रा पर। लेकिन बहुत सारी बातें रह गई, हमें उनको बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ कहना था, उनसे पूछना था कि आगे हमें सब कुछ कैसे संभालना है, क्या करना है, उनकी बात सुननी थी, अपनी बात कहनी थी। हम नहीं कर पा रहे। मन कहता है क्या कहना चाहते थे वो जाने से पहले, मैं जानना चाहती हूँ वो क्या कहना चाहते थे और मुझे भी तो कितना कुछ कहना था। शरीर सिर्फ फिनिश हुआ है, आत्मा आज भी हमारी हर बात सुन रही है और वो जो कहना चाहती है वो भी हम कैच कर सकते हैं अगर हम करने के लिए रेडी हैं। तो एक चीज आज इस सोच को बदलेंगे, आज से ये नहीं कहेंगे हमें जो कहना था हम नहीं कह पाए, हमें जो पूछना था हम नहीं पूछ पाए। ऐसा सोचने से हम वो नहीं कर पाते हैं। जब कोई हमारे साथ है लेकिन वो दूसरे शहर जाते हैं, बाहर ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी कभी दूसरे देश भी जाते हैं, हम उनको याद करते हैं और कभी कभी हमें महसूस होता है कि वहां कुछ सही नहीं है। हम उनको फोन करते हैं, सब ठीक है? वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो हम बोलते नहीं क्या हुआ बताओ, तो फिर वो बताते हैं। कैसे पता चलता है हमें कि वहां वो परेशान है या वहां वो बीमार है? कैसे पता चलता है कि स्कूल में आज कुछ हुआ है? कैसे पता चलता है? इसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी मींस हमारी थॉट्स उनको पहुंचती हैं, उनकी थॉट्स हमें पहुंचती हैं। ये हमेशा होता है, सबके साथ होता है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आउट ऑफ बॉडी है। हम सब ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सुना है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में सोल को सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ पता चलता है। इस समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, नए शरीर में प्रवेश किया है, लेकिन नए शरीर के साथ अभी कनेक्टेड अटैच्ड नहीं है, तो उनकी स्थिति वही है जो एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में होती है। तो जब वो हमारे बीच अपने शरीर में थे तब वो हमारी बातें कैच कर सकते थे, हम भी उनकी कर सकते थे, कभी कभी कर सकते थे, कभी कभी मिस हो जाते थे। लेकिन इस समय क्योंकि वो उस तरह की स्थिति में है जहां वो अपने शरीर से डिटैच्ड है, इस समय उनकी कैचिंग पावर 100% है, 100% है। वो हमारी हर थॉट, हर वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं और वो जो हमें भेजना चाहते हैं वो भी बहुत पावरफुल है। तो इसलिए जो मन में है सब कुछ कहिए, सब कुछ कहिए, जो कहना चाहते हैं, कोई पुरानी बातें, कोई क्षमा, शुक्रिया, कोई बात बतानी थी,
कोई छोटी बात शेयर करनी थी, सब कुछ कर सकते हैं। एंड ये संपूर्ण विश्वास रखिए कि आप ऐसे ही नहीं सिर्फ कह रहे, वो सब कुछ कैच कर रहे हैं। जब यहाँ होता है ना कोई हमारे साथ, तो कभी कभी तो हम कहते हैं फिर भी उनको हमारी बात ही नहीं समझ में आती। हम कहते क्या है, आप तो मुझे समझते ही नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत प्योर, बहुत क्लियर हो जाती है। वो सिर्फ आपकी बात को नहीं कैच करेंगे, वो आपकी भाव, आपकी भावनाएं, सब कुछ कैच करेंगे। तो इसलिए मन में जो कुछ है, हर बात कहिए, हर बात कहिए, कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना, हर बात कहिए। कोई गलतियां हुई हो, कोई छोटे बड़े झगड़े हो गए हो, हमें लगे हमने माफी ही नहीं मांगी, अभी मांग सकते हैं ना, अभी मांग सकते हैं। किसी बात के लिए उनको क्षमा करना था, क्षमा करके भेजना, भले वो बात अब कुछ भी नहीं लगेगी, लगेगा वो कोई बात थी, बस वो वापस आ जाए, मैं कभी नहीं लड़ूंगी। वो बात नहीं थी, अब नहीं थी, तब तो थी, और तब वो रिकॉर्ड हो गई है उनके ऊपर कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलती की थी। उनको क्षमा कीजिए। ये सारी वाइब्रेशंस उनके नए भाग्य, नए शरीर और इस समय उनकी स्थिति और संस्कारों के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो हर बात कीजिए, हर बात पूछिए, शुक्रिया कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए। कोई बात उनको बताई ही नहीं थी, वो भी बता दीजिए। मन पर कुछ बोझ है, बताकर हल्का कीजिए। हर बात उनसे कीजिए, और जो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस उनको नहीं जा रही, उनकी वाइब्रेशंस भी तो हमें जा रही हैं, लेकिन हमें अपने मन को कैसा रखना पड़ेगा, शांत और स्थिर। जितना हम सही सोचेंगे, जो सच है वो सोचेंगे, अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे, प्यार से याद करेंगे, शुक्रिया से याद करेंगे, दर्द और शिकायत से नहीं, उतना हमारी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। जब यहाँ बहुत शोर होता है तो कैच नहीं होती बात, फोन इंगेज होता है ना, बात नहीं होती। इसी तरह इस शोर को शांत कीजिए, वो जो कह रहे हैं आपको वो बात ऐसी क्लियर पता चलेगी, ऐसे समझ में आएगी जैसे वो सम्मुख खड़े होकर कह रहे हो। टेलीपैथी, टेलीपैथी जो हमारी उनके साथ पहले भी होती थी, लेकिन कभी कभी होती थी, अब तो कंटिन्यूस हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है। बस अपने मन को शांत और स्थिर करना है, और जो कहना है वो सब कुछ उनको कहना है, और जो बात पूछना चाहते हैं वो भी पूछनी है। तो इसको हम अभी करेंगे, लेकिन आप इसको रोज भी करिएगा, रोज करिएगा। वो रिश्ता था नहीं, वो रिश्ता है, आत्मा और आत्मा का रिश्ता है। इट इज अ सोल टू सोल कनेक्शन। वो रिश्ता था कभी नहीं कहना, वो रिश्ता है और वो रिश्ता रहेगा। तो चलिए, जो मन पर है बोझ, जो बात है, सब उनको अभी कहते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा मेरे साथ है। मैं सुरक्षित हूं। मैं आत्मा अपने मन की हर बात परमात्मा से कहती हूं, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां सब उन्हें सौंप देती हूं।
ज्ञान के सागर, परमात्मा से मुझे समझ मिलती है। सही सोच, सही कर्म की समझ। हर बात का समाधान मुझे परमात्मा की शिक्षाओं से मिलता है। अब आप उनको अपने सामने लेकर आइए। मन में जो बात है, कोई पुरानी बातें, किसी बात के लिए क्षमा मांगनी है या क्षमा करना है, कोई बात बतानी है, कोई बात पूछनी है, सब उनसे कह दीजिए। ईश्वर तेरी याद में, मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। हम में से कईयों को बहुत डीप गिल्ट है। कोविड पहले मुझे हुआ था, घर के अंदर मेरी वजह से उनको हो गया। मैं तो ठीक हो गया, वो चले गए। मैं कारण हूं उनके जाने का, मैं कारण हूं जिसकी वजह से आज मेरा पूरा परिवार दुखी है, मैं कारण हूं जिसकी वजह से सबकी जीवन बदल गई, मैं इसका कारण हूं। ये बात हम बार बार अपने आप को कह रहे हैं, बार बार अपने आप को कोस रहे हैं, बार बार ऐसा मन करता है कि मुझे ही कुछ हो जाए, मुझे हक ही नहीं है रहने का, क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब अगर ये वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे, क्या ये उनके लिए सही है, क्या ये सच है, क्या ये वाइब्रेशन उनके वो जो गर्भ में संस्कार बन रहे हैं ये उनके लिए सही है, क्या उनको यहाँ रिकॉर्ड करना है अपने ऊपर उनको कि कोई कारण बना था, कोई व्यक्ति था, मेरा अति प्रिय जन, मेरा परिवार का सदस्य, मेरा दोस्त, वो कारण था, उसकी वजह से मेरा सब कुछ छूट गया। क्या हम ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं उनके ऊपर? ये रिकॉर्ड करने से पता है क्या होगा? वो अपने नए परिवार, नए दोस्तों के बीच किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उनको एक अनजान सा डर हमेशा रहेगा कि इनमें से कोई कारण है, इनमें से कोई भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इनकी वजह से मैं सब कुछ खो सकता हूँ। ये उनको फील होगा अपने नए जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि गर्भ में रिकॉर्ड हो गया ना, गर्भ में रिकॉर्ड हो गया कि कोई जो मेरे बहुत क्लोज था उसकी वजह से मेरा सब कुछ गया है। और ये क्यों रिकॉर्ड हो गया? क्योंकि हम ये यहाँ से बार बार बोल रहे हैं, हम ये आपस में एक दूसरे को भी कह देते हैं, कई बार दुख में और गुस्से में हम उनको कह देते हैं, आपकी वजह से, आपको नहीं ख्याल रखना चाहिए था अपना, आप गए बाहर, आपको कोविड हो गया और मेरी जीवन देखो क्या हो गई। ये सारी बातें बहुत सच लग रही हैं, लेकिन ये संपूर्ण
सत्य नहीं है। हर आत्मा अपने कर्म और संस्कारों से अपना भाग्य बनाती है। जब आत्मा का जन्म उस नए शरीर में जब आत्मा आती है और उस बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म के साथ ही उस बच्चे का भाग्य भी आता है। इसीलिए तो बच्चे के पैदा होने पर ही आप एक जन्म पत्री बनवाते हैं, कुंडली बनाते हैं। वो बच्चे का भाग्य पहले ही दिन कैसे पता होता है? क्योंकि वो आत्मा जो कर्म और संस्कार लेकर आई, उस पे उसका भाग्य निश्चित होता है। उसके भाग्य में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कब ये होगा, कब ये होगा, कब ऐसा होगा, ये बहुत सारी बातें जन्म पत्री में लिखी हुई होती हैं। हाँ, उनमें से कुछ बातें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ बातें सही होती हैं। कुछ बातें बदल जाती हैं क्योंकि हम अपने संस्कार बदल लेते हैं इस जीवन यात्रा के अंदर, तो हमारी कुछ बातें बदल जाती हैं। लेकिन आज हमें ये अपने आप के साथ निश्चित करना होगा, पक्का करना होगा, बहुत बहुत पक्का करना होगा कि वो आत्मा जिसने इतना प्यारा समय हमारे साथ बिताया, ये उनका समय था अगले रोल में जाने का। ये उनका समय था। हम कह रहे हैं वो क्यों चले गए, उनका एक नया रोल, एक कारण जिनके लिए उधर जाना था, उनको कोई बहुत विशेष पार्ट उनको प्ले करना है। इस सृष्टि परिवर्तन के अंदर इतना कुछ हो रहा है, ये सब कुछ बदलना है, कुछ बहुत विशेष रोल है उस आत्मा का, उसके लिए वो गए हैं। मेरी गलती की वजह से नहीं गए हैं। जाना वो उनके भाग्य, उनके रोल में ऑलरेडी लिखा हुआ था। जाने का तरीका, जाने का कारण बन सकता है, लेकिन वो जाना वो उनके भाग्य में क्यों लिखा था? क्योंकि उनके भाग्य में हमारे साथ इतने वर्ष और उसके बाद उनको कोई बहुत श्रेष्ठ रोल के लिए आगे जाना था, एक अलग पार्ट, कुछ बहुत करना था उनको देश के लिए, सृष्टि के लिए। हमें नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं और किस कारण से गए हैं, लेकिन वो जाना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो नए भाग्य में उनको कुछ करना है, इसलिए वो गए हैं। तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहराना। ये जिम्मेवार ठहराना सिर्फ खुद को दर्द नहीं देता, परिवार को दर्द नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा उनको दर्द देता है। उनको दर्द देता है क्योंकि वो तो वो ही रिकॉर्ड करेंगे जो वो यहां से सुनेंगे। ये ध्यान रखना है, जो हम सोचेंगे बोलेंगे वो उन पर रिकॉर्ड हो जाएगा, उस आत्मा पर रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत ध्यान से सोचना और बोलना है, और सोचते और बोलते समय ये विजुअलाइज करना है, उन पर रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हम उन पर ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि उनका फैमिली मेंबर, उनका फ्रेंड इस सब का कारण बना? ये तो सच भी नहीं है। हमारे कर्म, हमारे कार्मिक अकाउंट्स, हमारा भाग्य, ये हमारे साथ साथ चलता है हर क्षण। कोई हमारा भाग्य ना बना सकता है, कोई ना हमारा भाग्य बिगाड़ सकता है। भाग्य बनाने की लकीर तो हमारे पास है, और हम अपने श्रेष्ठ कर्मों और संस्कारों से अपना भाग्य बनाते हैं। जो हमारे बीच से चले गए, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि उनका भाग्य अच्छा नहीं था। इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि उन्होंने या हमने कोई गलत कर्म किया है। बिल्कुल नहीं। भाग्य कितने साल हम इकट्ठे थे उस पर नहीं आधारित होता। भाग्य आधारित होता है हमारी क्वालिटी कैसी थी रिश्तों की, हमारे रिश्तों की क्वालिटी कैसी थी, आत्मा के संस्कार और कर्म कितने प्यारे थे। उनको आगे जाना था किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, एक नया पार्ट प्ले करने के लिए, और वो अपने भाग्य में ऑलरेडी निश्चित कर चुके थे कि वो हमारे साथ इतने साल रहेंगे और उसके बाद उन्हें अगली जगह जाना है। तो कुछ क्षणों के लिए फिर से उनसे ये बात कहिए। ये कहना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर गलत रिकॉर्डिंग करना नहीं और उनके ऊपर गलत रिकॉर्डिंग होने नहीं देना। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं,
I am a wise soul. निराकार परमात्मा ज्ञान के सागर ने मुझे हर राज समझा दिया है। मैं समझदार आत्मा हूं। परमात्मा का प्यार और उनकी दुआएं मेरी शक्ति है। आत्मा की सत्यता कर्मों का ज्ञान स्मरण का चक्र मुझे सब समझ आ गया है। इस जीवन रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर एक का रोल फिक्स है। एक रोल पूरा कर आत्मा अपना अगला पाठ बजाने आगे जाती है। ये आत्मा का अपना पाठ है। मैं उनके पाठ को नहीं बदल सकती। उनका पाठ बहुत प्यारा है। वो पाठ फिक्स्ड है। उन्हें अपने सामने देखिए। मुझे क्षमा करें अनजाने में हुए कर्म के लिए। मुझे क्षमा करें। आपने इतना समय बहुत ब्यूटीफुल पार्ट प्ले किया हम सबके साथ। अब आप एक नया श्रेष्ठ पार्ट बजाने आगे गए हैं। मैं आत्मा इस बात को समझ गई हूं। मैं आत्मा इस बात को स्वीकार करती हूं। मैं स्वीकार करती हूं। कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, पीछे बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि जाने से पहले हम सब कुछ सेट करते हैं।
ताकि हम जब जितनी देर नहीं होंगे घर पे, घर पे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, घर पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितना प्योर इंटेंशन होता है फैमिली के लिए कि सब कुछ सेट होना चाहिए, सब कुछ ठीक चलना चाहिए। अगर हम कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, हम कुछ महीनों के लिए दूसरे देश जा रहे हैं, तो हम वहां पे जाकर भी जब घर परिवार को फोन करते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप ठीक हो, सब ठीक है, तो वो हमें क्या कहते हैं, सब ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करो। फिर आप उनसे पूछते हैं लेकिन वो वाला काम होना था, ऐसे वाला होना था, कैसे मैनेज कर रहे हो आप सब कुछ। वो कहते हैं आप हमारे बारे में नहीं सोचो, हम बिल्कुल ठीक हैं, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, सब ठीक हो रहा है, आप सिर्फ वहां सेट हो जाओ। यही तो हमारा इंटेंशन था ना हमेशा, जब हम कुछ घंटों के लिए गए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। आज अपने आप को देखिए, अगर हम परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर शरीर ही त्याग करके आगे चले जाएं, तो हम पीछे से क्या सुनना चाहते हैं, परिवार के लिए क्या देखना चाहते हैं? क्या हमारा एक ही इंटेंशन नहीं होगा कि हमारे पीछे सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सेट हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो? क्या सिर्फ ये एक बात सुनकर ही मन निश्चिंत नहीं हो जाएगा? तो आज ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अगर बार बार ये सोचेंगे और बोलेंगे उनके बिना हम कैसे रहेंगे, उनके बिना ये घर कैसे रहेगा, जीवन तो अब कोई फायदे का ही नहीं, मुझे भी नहीं रहना चाहिए था, मुझे भी उनके साथ चले जाना चाहिए, इन बच्चों को कौन पालेगा, मुझे कौन देखेगा बुढ़ापे में, ये सब सोचेंगे और बोलेंगे। अगर हम ये सब सोचेंगे और बोलेंगे तो क्या वाइब्रेशन जा रही है उनको आत्मा गर्भ में? हर संकल्प, हर बोल, हर वाइब्रेशन कैच कर रही है क्या? ये एनर्जी हम उनको भेजना चाहते हैं? वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर हम ऐसी वाइब्रेशन भेजेंगे तो क्या वो वहां सेट हो पाएंगे? हम उनको खींचने की कोशिश ना करें, तुम किसी भी तरह वापस आ जाओ, ये घर नहीं चल सकता तुम्हारे बिना, क्या ये सही सोच है? क्या ये एनर्जी राइट है उनके लिए? एक क्षण के लिए अपने आप को उनकी जगह विजुअलाइज करें, ना वापस आ सकते हैं, ना वहां सेट हो पाते हैं, और बार बार ये सुनते जाएं, तो कैसी मनोस्थिति हो जाएगी? वो कितना कुछ देख कर गए हैं, उनका शरीर कितनी तकलीफ में था जब वो गए थे। हम चाहते हैं ना कि उनका नया शरीर बहुत हेल्दी हो, उनका मन एकदम शांत और निडर हो, तो हमें यहां से कौन से वाइब्रेशन भेजने चाहिए? तो आज से हम एक छोटा सा प्रयास, बहुत सहज है ये, बहुत सहज है, हम ये छोटी सी चीज रोज करेंगे कि हम हर रोज सुबह भी और रात को सोने से पहले भी, और दिन में तो जब याद आ जाए, याद तो बार बार आएगी, लेकिन जब ये बात याद आ जाए तो दिन में भी करें, लेकिन सुबह और रात को तो जरूर करेंगे। और सुबह और रात को हम उनको विशेष याद करके परमात्मा की शक्तियों और दुआएं देकर हम एक बात उनसे रोज कहेंगे, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, हम हैं सब यहाँ एक दूसरे के लिए, हम सब एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभालेंगे, आपने हमें इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ दिया है, उस आधार से हम सब एक दूसरे को संभालेंगे, आप हमारी चिंता नहीं करना, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहना, आप अपना ध्यान वहां रखो, आप हमारे बारे में नहीं सोचना, हम सब यहाँ बिल्कुल सेट है। ये एक संकल्प जब हमारा वहां पहुंचेगा, क्योंकि वो आत्मा वहां पर बस ये एक बात सुनना चाहते हैं, एक ही बात कैच करना चाहते हैं कि मेरा परिवार ठीक है, वो सब ठीक हैं। ये सुनना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हमें ये कहना पड़ेगा, और इसका ऑपोजिट तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। वो सारे संकल्प जो हमें लगता है वो सही है, वो सही नहीं है,
ना हमारे लिए सही है, ना जो परिवार हमारे साथ है उनके लिए सही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ना उनके लिए सही है। उनके लिए तो वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक बात सुनना चाहते हैं, मेरा परिवार ठीक है, मेरा काम कारोबार सब अच्छा चल रहा है, सब मेहनत जो मैंने की थी वो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ, बच्चे, घर, मात पिता, पति पत्नी सबके लिए ये एक थॉट जरूर जरूर क्रिएट करनी है। तो रोज सुबह और रात को ये संकल्प जरूर कीजिए, अपने घर को पवित्रता से, पॉजिटिविटी से भर दीजिए, घर में सारा दिन परमात्मा की याद के गीत चलाइए, ऐसे गीत चलाइए, ऐसे शब्द घर में उच्चारण हो जो हरेक के मन को शांति और शक्ति दे, और वो शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस उन तक पहुंचे। अपने जीवन को जितना जल्दी हो सके नॉर्मल कीजिए। जो वैक्यूम है वो कभी नहीं जाने वाला, वो तो एक है वैक्यूम, वो वैक्यूम, वो रिश्ता, वो नहीं जाएगा, कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस मिलेंगी। लेकिन जितना हम अपने घर को, बाकी परिवार को, अपने को नॉर्मल पर लाएंगे ना, जितना नॉर्मल सी पर लेकर आएंगे, उतना उनको वहां बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा कि सब ठीक से चल रहा है, घर अच्छे से चल रहा है, ऑफिस अच्छे से चल रहा है। उनको वो वहां पर फील होना, कैच होना, बात सुनना, उनके लिए उस जर्नी पर आगे चलने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अपने संकल्पों से कभी खींचना मत, वापिस आओ वापिस आओ, ऐसे कभी नहीं बोलना, वो आत्मा फंस जाएगी, ना आगे जा पाएगी, ना वापिस आ पाएगी। अपने बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पहले भी नहीं सोचा था, हमेशा उनके बारे में सोचा था, उन्होंने हमारे बारे में सोचा था, आज भी वही करना है। तो रोज ये संकल्प देना है, सुबह भी, रात को भी, दिन में भी, जितनी बार ये बात याद आ जाए बस कह दीजिएगा। जैसे ही कुछ काम करने लगे, कुछ मुश्किल आए, कोई बात ना समझ में आए, तुरंत कहना, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, हम सीख लेंगे, हमें आ जाएगा ये, हम पूछ लेंगे किसी से। उनको हमारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं। और जितना जल्दी हो सके अपने घर को नॉर्मल एक्टिविटी पर लेकर आओ। एक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए, सब ठीक से खाना खा रहे हैं, सब ठीक से सो रहे हैं, सब अपना ध्यान रख रहे हैं, वो सिर्फ वो ही देखना चाहते हैं, वो सिर्फ वो ही देखना चाहते हैं कि सब अपना ध्यान रख रहे हैं और सब ठीक है। तो चलिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये हम उनको अभी विशेष ये मैसेज हम उनको भेजेंगे, इतना पक्का करके दिल से भेजेंगे कि आत्मा उस बात को स्वीकार करके निश्चिंत हो जाएगी। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर परमात्मा मेरे दुख हर कर मुझे सुख की शक्ति से भरपूर करते हैं। हर परिस्थिति में मेरा मन स्थिर है। मेरा मन शांत है। मेरे से हरेक को सुकून और सुख मिलता है।
परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं आत्मा जीवन के हर सीन में परमात्मा की मदद का अनुभव करती हूँ। हिम्मत का एक कदम मेरा पदम गुणा मदद परमात्मा की हमेशा मेरे साथ है। उनको अपने सामने देखिए। आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहना, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, हम सब अपना और एक दूसरे का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। आप हमें सब कुछ सिखा कर गए हैं। आपका शुक्रिया। आपकी शिक्षाएं और परमात्मा की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। परमात्मा की शक्तियां हमेशा हमारे साथ है। हमेशा हमारे साथ है। जा
सर्वोत्तम आश्रय स्थल हर साल हम उनका बर्थडे मनाते थे, जन्मदिन मनाते थे, कितनी दुआएं देते थे, कितनी दुआएं देते थे, हैप्पी बर्थडे, आपका जीवन बहुत ब्यूटीफुल होगा, आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी होगी, दुआओं से सब उनके जीवन को भर देता था। हर साल जन्मदिन पर तो करते ही थे, हर विशेष दिन पर भी करते थे, और एक्चुअली तो रोज ही करते थे। परिवार को तो हम रोज ही नवीनता की दुआएं देते हैं। इस समय क्या हम दुआ दे रहे हैं? इस समय उनका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, एक नया शरीर बन रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, नया भाग्य बन रहा है, एक नई जीवन शुरू होने वाली है। क्या उनको दुआ दी, उस चीज के लिए शुभकामनाएं दी, हैप्पी न्यू लाइफ कहा, हेल्दी न्यू बॉडी ये बोला उनको, ब्यूटिफुल न्यू रिलेशनशिप्स, अमेजिंग पावरफुल न्यू डेस्टिनी, क्या उनको ये दुआ दी कि आपका नया जीवन सुखद होगा, आपका नया शरीर हमेशा स्वस्थ होगा, आपके नए रिश्ते बहुत प्यारे होंगे और आपका नया भाग्य बहुत श्रेष्ठ होगा? क्या ये सब उनसे कहा? क्या ये कहना जरूरी नहीं है? अगर हर साल जन्मदिन पर कहते थे, विशेष दिनों पर कहते थे, तो इस समय तो नया जीवन शुरू हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है, ये कहना तो बहुत 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 जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हम सबकी दुआओं से ही तो, हम सबकी शुभकामनाओं से ही तो उनका वो नया जीवन और नया भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ बनने वाला है। तो चलिए, आज से शिकायत नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, प्यार की याद, शुक्रिया की याद, सुकून निश्चिंत करने वाली याद उनको, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दुआओं वाली याद भेजते हैं। तो चलिए, ये सारी दुआएं, ये सारी शुभकामनाएं, और जो जो दुआ आप उनके लिए करना चाहें और सबके लिए करना चाहें, सबके लिए कीजिए, तो सब इकट्ठे मिलकर हम ये दुआएं उन सबको और विशेष उनको भेजेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं सबको स्नेह देने वाली आत्मा हूं।
मैं परमात्मा की दुआओं से पलने वाली आत्मा हूं। परमात्मा की दुआएं मेरे जीवन को सहज सरल बना देती हैं। मैं सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूं। अब सिर्फ उनको नहीं, सबको अपने सामने लेकर आइए, सबको, और सबको दुआ दीजिए। आप पवित्र आत्मा हैं। आपका मन आनंद से भरपूर है। आपका नया शरीर स्वस्थ है। आपकी नई यात्रा बहुत सुखदायी है। आपका नया परिवार बहुत प्यारा है, खुशहाल है। आप सृष्टि परिवर्तन की सेवा में एक बहुत विशेष पार्ट प्ले करने के लिए गए हैं। आप सबको हम सब की तरफ से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया और ढेर सारा प्यार और दुआएं, दुआएं, दुआएं। हम सब दिया जलाते हैं। आइए आज एक दिया दुआ का जलाते हैं। दिल का अंधियारा मिटाए। ओम
दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा। दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस के विश्वास की ज्योति जगाए। विश्वास की ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए,
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसे लगाए। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।